वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जे ऊसो ने क्विट कर दिया है ब्लड लाइन को। यस, आपने सही सुना, जे ऊसो ने क्विट कर दिया है ब्लड लाइन को। और जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस क्या हमें देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं कि AEW सुपरस्टार रिकी स्टार्क्स हमें रॉयल रंबल के बैक स्टेज में देखने को मिले थे, तो इसको भी लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड कोडी रोड्स टीज करते हुए दिखाई देते हैं ओल्ड WWE चैंपियनशिप को, जो कि हमें वापस लाते हुए दिखाई देंगे, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टीज देखने को मिला है। और ब्रॉक लेसनर का हमें नेक्स्ट चैलेंजर कौन देखने को मिलेगा, तो इस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट है इस वीडियो के अंदर, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये हमें देखने को मिल रहा है रिकी स्टार्क्स को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि रॉयल रंबल जो 2023 हमें देखने को मिल रहा था, तो कोडी रोड्स के साथ में ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार रिकी स्टार्क्स भी हमें रॉयल रंबल 2023 के बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं। सो रिकी स्टार्क्स का हमें यहां पर बेसिकली फोटो देखने को मिलता है रॉयल रंबल के बैक स्टेज से, जहां पर वो कोडी रोड्स के साथ में देखने को मिलते हैं। और आप लोग को बता दूं जानकारी के लिए कि कोडी रोड्स और रिकी स्टार्क्स काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, यानी कि काफी अच्छे खासे दोस्त हैं, तो ऐसा कुछ यहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है। तो रिकी स्टार्क्स और यहां पर उनके साथ में कोडी रोड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छी खासी बात है। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में क्या पता रिकी स्टार्क्स हमें WWE के साथ में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इतनी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है और कोडी रोड्स के साथ में जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है WWE के साथ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिकी स्टार्क्स का भी मन करेगा कि भाई WWE में क्यों ना वापस चला जाए। तो देखते वैसे क्या होता है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये है जो कि कोडी रोड्स की तरफ से। तो कोडी रोड्स अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे काफ़ी बड़ा टीज करते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। तो कोडी रोड्स यहाँ पर सीधा टीज करते वे दिखाई देते हैं, वो भी काफी बड़े थिंग को, और वो थी WWE चैंपियनशिप। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, तो ओल्ड वाली जो हमें ईगल वाली चैंपियनशिप देखने को मिलती थी, उसको लेकर यहां पर टीज करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स, यानी कि वो जो ईगल वाली चैंपियनशिप हमें 90s के टाइम पे देखने को मिलती थी, उसी टाइटल को कोडी रोड्स वापस एक बार फिर से WWE के अंदर लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सीधा क्लियरली कोडी रोड्स अपने इंटेंशंस को क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसे में वो रॉयल रंबल विनर भी हैं, WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर भी हैं, तो ऐसे में वो ये टाइटल जीत कर वापिस से वो पुरानी टाइटल लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर हमें कोडी रोड्स काफ़ी बड़ा टीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें एक नई टाइटल देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर, जो कि हमें वो पुरानी ही टाइटल देखने को मिले जो कि 90s के टाइम पे देखने को मिलती थी। वेल, इसके ऊपर अब आपका क्या कहना है, क्या थॉट्स है भाई, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड ऑब्वियसली अगर वापिस ये टाइटल आती है तो देखना काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कमेंट्स में बता देना क्या चाहते हो आप लोग। वैसे अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है गंथर की तरफ से। तो रिंग जनरल गंथर की तरफ से हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट देखने को मिलता है। वैसे वो ट्वीट भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो ब्रॉक लेसनर और गंथर का जो हमें आमना सामना देखने को मिला था रॉयल रंबल 2023 के अंदर, तो उसी को लेकर पोस्ट डालते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर गंथर हिंट करते हुए दिखाई देते हैं कि फ्यूचर में वो जरूर द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ में मैच रसल करना चाहेंगे। और सीधा यहां पर हमें इस पोस्ट के थ्रू, इस ट्वीट के थ्रू अपने इंटेंशंस को क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं कि वो चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर एक बार हमें जरूर WWE के अंदर देखने को मिले, और वो थिंग हमें ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ट्रिपल एच की क्रिएटिव कंट्रोल में। लेट्स सी भाई, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर कैसा देखने को मिलता है और कब तक ये WWE बुक करते हुए दिखाई देती है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और ये है जो कि बॉबी लैशली की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे बॉबी लैशली ने एलिमिनेट किया था रॉयल रंबल के अंदर, तो सीधा हमें देखने को मिला कि भाई बॉबी लैशली वर्सेज ब्रॉक लेसनर हमें जरूर देखने को मिलेगा। एंड इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि जैसा कि बॉबी लैशली ने रॉयल रंबल से पहले ट्वीट किया था कि मेरा फर्स्ट और प्राइमरी टारगेट होने वाले हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर, एंड इसके बाद जब उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, अब जाके हमें उनका ट्वीट देखने को मिला है कुछ ही घंटों पहले, जहां पर बॉबी लैशली कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखाया, मेरा प्राइमरी टारगेट ब्रॉक लेसनर था, मैंने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया। तो ऐसा कुछ हमें यहां पर देखने को मिलता है और कहते हैं कि किस मै डैश, यानी कि अपना वही
समझ लो अब यहाँ पर वैसा करने की कोशिश करते हैं। बॉबी लैशली यहाँ पे एक तरीके से बेइज्जती मारते हुए दिखाई देते हैं ब्रॉक लेसनर की, और सीधा यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भाई बॉबी लैशली चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को। और ब्रॉक लेसनर अगर ये ट्वीट देख लिए तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा गुस्सा होंगे, और ब्रॉक लेसनर तो तोड़ने वाले हैं, तो कन्फर्म है रॉयल रंबल के बाद जो हमें मंडे नाइट ड्रॉ देखने को मिले या फिर जब भी हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे तब हमें ब्रॉक लेसनर ऑब्वियसली काफ़ी बुरी तरीके से पीटने वाले हैं बॉबी लैशली को, और बॉबी लैशली से सारा बदला लेते हुए दिखाई देंगे। और लेकिन जैसा हमें यहां पर बॉबी लैशली की तरफ से ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं तो सीधा सीधा यहां पर बॉबी लैशली चैलेंज करना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से, और ब्रॉक वर्सेस बॉबी अगेन हमें देखने को मिलेगा। अब लेट्स सी भाई डब्ल्यू इसको लेकर कब तक प्लान करते हुए दिखाई देती है, एलिमिनेशन चेंबर के लिए या फिर रसलमेनिया के लिए। मोस्ट ऑफ दी चांसेस मुझे लगता है कि रसलमेनिया में देखने को मिलेगा, तो लेट्स सी भाई डब्ल्यू इसको लेकर क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है, और इसको लेकर आपका एक्साइटमेंट भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को भाई परेशान कर दिया, तो देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा इनकी राइवलरी भी। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं, तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जे उसो की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जे उसो अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालते हुए दिखाई देते हैं, जिस पोस्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो जे उसो होते हैं वो मतलब कल का जो वॉकआउट करते हुए दिखाई दिए थे रिंग से, तो वो वाला फोटो डालते हुए दिखाई देते हैं और नीचे लिखते हुए दिखाई देते हैं आई एम आउट, यानी कि मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं हट चुका हूँ, यानी कि वो ब्लड लाइन से सीधा सीधा क्लियरली कह रहे हैं कि वो ब्लड लाइन से अब बाहर हो चुके हैं, वो ब्लड लाइन में नहीं है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जे उसो की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली ब्लड लाइन से क्विट करने को लेकर यहाँ पर जे उसो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो कि ऑब्वियसली एक काफ़ी खतरनाक चीज़ है। एंड देखना अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई जे उसो और रोमन रेंस की क्या स्टोरी लाइन चलते हुए दिखाई देती है, जे उसो और ब्लड लाइन को लेकर क्या स्टोरी लाइन चलते हुए दिखाई देती है। और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर भी एक काफी इंटरेस्टिंग टीज करते हुए दिखाई देते हैं जे उसो, जहां पर रोमन रेंस एंड जे उसो वाली बात देखने को मिलती है, मतलब फोटो देखने को मिलते हैं, रन इट बैक ऐसा कुछ हमें यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि पहले जो इनकी फ्यूड देखने को मिली थी जे उसो और रोमन रेंस की, उसी को लेकर रन इट बैक करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि फिर से सारी चीजें पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि जो हमें मेन इवेंट जे उसो देखने को मिलते थे अब वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगे एक बार फिर से मेन इवेंट जे उसो, और इसके बाद हमें यहां पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में यानी कि रोमन रेंस और जे उसो, रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के बीच में हमें ये जो स्टोरी लाइन चल रही है ये काफी खतरनाक चलते हुए दिखाई दे सकती है। अब ब्लड लाइन को लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है, सैमी जेन को लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो आने वाले शोज में पता चली जाएगा। वेल ओवरऑल ये काफी इंटरेस्टिंग थिंग हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इन सारे अपडेट्स के ऊपर ओपिनियंस आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहां पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।